ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। आइए, आप सबका स्वागत है। तो हम ग्रंथ पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं ग्रंथकार ने क्या कहा है। तो आगे का ग्रंथ है प्रतियोगी नदीकरणत्वम च प्रतियोगिता वच्छेदका वच्छिन्ना नदीकरणत्वम वाच्यम तेन विशिष्ट सत्तावान जातेरित्यादौ जात्यधिकरण गुणादौ विशिष्ट सत्ता भाव प्रतियोगी सत्ताधिकरणत्व सत्वे भी नक्षति। ये मूल ग्रंथ है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। आप जानते हैं कि व्याप्ति का लक्षण अभी तक हमारा क्या बना हुआ है। प्रतियोग्य नदीकरण हेत्वाधिकरण वृत्ति भावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत् साध्यतावच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति ही। ठीक है, जब हमने प्रतियोगी बाह्य अधिकरण का प्रवेश किया तो फलतः जब हमने विचार किया तो प्रतियोग्य नदीकरणत्व हेत्वाधिकरण में हमने विशेषण दिया है। तो अभाव को कैसा होना चाहिए? हेत्वाधिकरण वृत्ति होना चाहिए। हेत्वाधिकरण को कैसा होना चाहिए? प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए। तो प्रतियोगी नदीकरण भूत जो हेत्वाधिकरण तदवृत्ति जो अभाव तारस अभावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकम यत् साध्यतावच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। यह लक्षण हमारा बना हुआ है। ठीक है, अब इस पर विचार को आगे बढ़ाते हैं। अब पूर्व पक्ष यहाँ पर दोष देगा। कहाँ दोष देगा? विशिष्ट सत्तावान जाते ही स्थल है। तो यहाँ पर हेतु है जाति। तो जाति कहाँ है? द्रव्य गुण कर्म तीन जगह पर है। और विशिष्ट सत्ता कहाँ है? केवल द्रव्य में है। ठीक है, आप जानते हैं विशिष्ट सत्ता का अर्थ है गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता, गुण कर्म अन्यत्व विशिष्ट सत्ता, केवल द्रव्य में रहने वाली सत्ता। तो साध्य केवल द्रव्य में है, जाति द्रव्य गुण कर्म तीनों जगह पर है। तो आपने समझ लिया कि जाति असद्यतु है। तो असद्यतु स्थल में हमको क्या ध्यान देना होता है कि असद्यतु स्थल में यदि साध्याभाव लक्षण घटक हो जाएगा, प्रतियोगी नदीकरण हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव यदि साध्याभाव मिल गया, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद की साध्यता अवच्छेदक हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी, लक्षण नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति नहीं होगी। समस्या कब होती है? जब प्रतियोगी नदीकरण हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव कहने से हमको साध्याभाव यदि नहीं मिलता है तो हमको कोई अन्य अभाव लेना पड़ेगा। जब अन्य अभाव लेंगे घटाभाव पटाभाव आदि तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व पटत्व आदि हो जाएंगे। तो प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक हो जाएगा, तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण हेतु में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। ठीक है, इस क्रम को आपने कई बार देखा है। तो यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थापन हो रहा है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर अतिव्याप्ति होने वाली है। तो कैसे होगी? अब देखिए, हेतु है जाति, हेतु का अधिकरण लीजिए गुण, क्योंकि आपको ज्ञात है हम हेतु का अधिकरण वह लेते हैं जहां पर साध्य का अभाव मिल जाए। तो साध्य क्योंकि विशिष्ट सत्ता है तो विशिष्ट सत्ता का अधिकरण द्रव्य है, तो गुण में अथवा कर्म में विशिष्ट सत्ता का अभाव हमको मिल जाएगा। तो ये तो अधिकरण हुआ गुण, तत्र वर्तमान अभाव विशिष्ट सत्ता अभाव, विशिष्ट सत्ता नास्ति इत्याकारक प्रतिति सिद्ध अभाव। किंतु अब केवल हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव होने से काम नहीं चलेगा। हेतु का जो अधिकरण है उसको प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए, तभी यह अभाव प्रतियोगी वेदीकरण अभाव कहा जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि अभाव प्रतियोगी वेदीकरण है कि नहीं। तो उसके लिए देखना पड़ेगा प्रतियोगी कौन है। तो सामान्य रूप से आप जानते हैं विशिष्ट सत्ता अभाव का प्रतियोगी है विशिष्ट सत्ता। यह जो विशिष्ट सत्ता है यह गुण में नहीं है, विशिष्ट सत्ता केवल द्रव्य में है। तो विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण गुण हो रहा है तो प्रतियोगी का अनधिकरण हेतु अधिकरण हो रहा है, तत्र वर्तमान अभाव कहने से यह विशिष्ट सत्ता अभाव लक्षण घटक हो रहा है। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक की साध्यता अवच्छेदक हो जाएगा तो दोष नहीं होना चाहिए। किंतु वादी भद्रम न पश्यति। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि देखो भाई, विशिष्ट सत्ता अभाव का प्रतियोगी आप बता रहे हैं विशिष्ट सत्ता, अब हम यहाँ एक नियम लगा देंगे विशिष्टम शुद्धात् नात्रिच्यते। तो विशिष्ट सत्ता अभाव का प्रतियोगी सत्ता भी हो जाएगी, और सत्ता गुण में रहती है तो सत्ता का अधिकरण गुण है, सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। तो हमने जो अभाव लिया विशिष्ट सत्ता अभाव, उसका प्रतियोगी जो सत्ता तार से सत्तात्मक जो प्रतियोगी, उसका अधिकरण ही हेतु अधिकरण हो गया, प्रतियोगी का अनधिकरण हेतु अधिकरण नहीं हुआ। ठीक है, प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्ना अनधिकरणत्व हमको चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रंथकार ने कहा
विशिष्ट सत्तावान जाति इत्यादि जाति अधिकरण जो गुण हुआ, हेतु का अधिकरण हुआ गुण, ठीक है, उसमें जो विशिष्ट सत्ता भाव हमने लिया उसका प्रतियोगी जो सत्ता तार सत्ता की अधिकरण तो ही है, प्रतियोगी अधिकरण तो ही चला गया, प्रतियोगी अधिकरण हेतु अधिकरण नहीं हुआ। इस प्रकार से विशिष्ट सत्ता भाव प्रतियोगी समानाधिकरण कहा जाएगा, प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव नहीं हुआ, अतः यह अभाव लक्षण घटक नहीं हुआ। तो कोई दूसरा अभाव मिलेगा फिर, घटा भाव पटा भाव जो भी, कोई ना कोई तो प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव मिल ही जाएगा। तो घटा भाव मिला तो प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व तो आदि होंगी, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट सत्ता तो हो गया, तदवच्छिन्न साध्य हो गया विशिष्ट सत्ता, उसका समानाधिकरण जाति में चला जाएगा, तो लक्षण चला गया, असिद्ध स्थल में अतिव्याप्ति हो गई। ठीक, इस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए ग्रंथकार ने क्या कहा, प्रतियोगी नदीकरणत्वम च प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्ना नदीकरणत्वम वाच्यम। अब हमको केवल प्रतियोगी नदीकरण नहीं कहना है, हमको प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न का अनधिकरण हेतु अधिकरण होना चाहिए, ऐसा कहेंगे। ठीक, अब हमारा लक्षण का स्वरूप बनेगा प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्ना नदीकरण हेतु अधिकरण। ठीक है, पहले भी आपको ज्ञात है जब हमने हेतु अधिकरण की चर्चा की थी तो हेतुता अवच्छेद विशिष्ट हेतु अधिकरण कहा था, वहां विशिष्ट सत्ता को हमने हेतु बनाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने विशिष्ट सत्ता को साध्य बनाया है। तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति भावी है, प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत साध्यता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण व्याप्ति ही, ये हमारा व्याप्ति का लक्षण बना हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर जो अतिव्याप्ति दोष हुआ था उस अतिव्याप्ति दोष का वारण होना चाहिए। तो हमारा स्थल क्या है, विशिष्ट सत्तावान जाति है, हेतु आपने किसको बनाया, जाति को, हेतु अधिकरणम गुण तत्र वर्तमान अभाव विशिष्ट सत्ता भाव, उसका प्रतियोगी विशिष्ट सत्ता। यहाँ पर हमने एक नियम लगाया था पूर्व पक्षी ने, विशिष्टम शुद्धात् नात्र इच्छते, तो विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्ता एक ही है, तो विशिष्ट सत्ता भाव का प्रतियोगी सत्ता भी होगी। अब हमको केवल प्रतियोगी नदीकरण नहीं कहना है, हमने प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्ना नदीकरण कहा है। तो प्रतियोगिता अवच्छेद कौन है, विशिष्ट सत्तात्व तदवच्छिन्न, विशिष्ट सत्तात्व अवच्छिन्न कौन है, विशिष्ट सत्ता है। यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का अर्थ विशिष्ट लेना है, आपको ज्ञात है। तो विशिष्ट सत्तात्व अवच्छिन्न कहने से केवल विशिष्ट सत्ता का ही ग्रहण होगा, शुद्ध सत्ता का ग्रहण नहीं हो सकता, भेद हो जाएगा। तो विशिष्ट सत्तात्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न जो प्रतियोगी है वो विशिष्ट सत्ता ही है, वह विशिष्ट सत्ता गुण में नहीं रहती। तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी का अनधिकरण हेतु अधिकरण गुण हो गया, तत्र वर्तमान जो अभाव विशिष्ट सत्ता भाव यह लक्षण घटक हो गया। तो साध्याभाव लक्षण घटक जब हो गया तो उसका प्रतियोगिता का अवच्छेद की साध्यता अवच्छेद हो गया, प्रतियोगिता अवच्छेद का विशिष्ट सत्तात्म, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेद नहीं हुआ तो लक्षण यहाँ पर नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से अतिव्याप्ति का वारण हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे का ग्रंथ है, अत्र साध्यता अवच्छेद संबंध है प्रतियोगी अधिकरणत्म बोध्यम तेन ज्ञानवान सत्वाद इत्यादि सत्ताधिकरण घटादे विषयतया ज्ञानाधिकरणत्वे भी नक्षति ही। इत्थं च बन्यमान धूमाद इत्यादि धूमाधिकरणे समवायन बन्नी विरह सत्वे भी नक्षति ही। अब देखिए इस ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, हमारा लक्षण का स्वरूप क्या बना हुआ है अभी तक, प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्ना नदीकरण हेतु अधिकरण वृत्ति भावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत साध्यता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण व्याप्ति ही। ठीक है, आप लोग लक्षण को याद कर ही रहे होंगे, क्रमशः अभ्यास कर ही रहे होंगे। अब यहाँ पर ज्ञानवान सत्वाद एक स्थल है, यहाँ पर दोष देना है पूर्व पक्षी को। तो हेतु हो गया सत्ता, सत्ता कहाँ रहती है, द्रव्य गुण कर्म तीन जगह पर रहती है, और ज्ञान कहाँ रहता है, यहाँ पर समवाय संबंध से ज्ञान को साध्य बनाना है, तो ज्ञान समवाय संबंध से केवल आत्मा में रहता है। ठीक है, तो सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों जगह पर है, ज्ञान केवल आत्मा में है, अतः यह हेतु यत्र यत्र सत्वम तत्र तत्र ज्ञानम इस प्रकार की व्याप्ति नहीं है। कटादि में सत्ता तो है किंतु ज्ञान नहीं है, अतः यह व्यभिचारी हेतु है, असद हेतु है, दुष्ट हेतु है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो पूर्व पक्षी कहेगा आपका जो लक्षण है वो दुष्ट हेतु में भी चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। कैसे होगी, लक्षण घटाकर देखते हैं, हेतु है सत्ता, ठीक है, सत्व कहिए सत्ता कहिए की बात है, हेतु अधिकरणम घट, ऐसा हमको हेतु अधिकरण लेना है जहां पर साध्य का अभाव आराम से मिल जाए, तो तत्र वर्तमान अभाव ज्ञान अभाव, क्योंकि ज्ञान आत्मा में रहता है तो घट में ज्ञान का अभाव मिल जाएगा। ठीक, तो ज्ञान अभाव मिला, किंतु केवल हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव कहने से होगा नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि यह ज्ञान अभाव प्रतियोगी व्यधिकरण है कि नहीं,
अर्थात प्रतियोगी का अनधिकरण हेतु अधिकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तत्र वर्तमान अभाव जो होता है प्रतियोगी अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति जो अभाव होता है ना, प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति जो अभाव होता है वह प्रतियोगी वैधिकरण अभाव होता है। तो ज्ञानाभाव का जो प्रतियोगी प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न ज्ञान होगा वह ज्ञान घट में रहता है, कहेगा पूर्व पक्षी। आप कहेंगे कैसे रहेगा, ज्ञान तो आत्मा में रहता है। तो एक संबंध है विषयता संबंध, तो विषयता संबंध से सारे ज्ञान अपने विषय में रहते हैं, तो घट का जो ज्ञान होगा वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा, घट में रहेगा। ठीक है, घट का ज्ञान विषयता संबंध से घट में रहेगा, पट का ज्ञान विषयता संबंध से पट में रहता है। ज्ञान विषयता संबंध से अपने विषय में रहता है, और जो विषय घटपट आदि होते हैं वो विषयता संबंध से ज्ञान में चले जाते हैं। ठीक है, संबंध परिचय नाम का एक वीडियो हमने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं जिनके लिए विषय नया है। ठीक, अब देखिए, हेतु हो गया सत्ता, हेतु अधिकरण हो गया घट, तत्र वर्तमान अभाव ज्ञानाभाव, उस ज्ञानाभाव का जो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी हो गया ज्ञान, वह ज्ञान विषयता संबंध से घट में रहता है। तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न का अधिकरण हेतु अधिकरण हो गया। ठीक है, अतः ये जो ज्ञानाभाव वो प्रतियोगी वैधिकरण न होने के कारण लक्षण घटक नहीं हुआ, तो कोई ना कोई दूसरा अभाव लेना पड़ेगा। तो पटाभाव लिया, घट में पटाभाव, आप घट में घटाभाव भी ले सकते हैं। हमने आपको पहले ही कहा है घटाभाव का अर्थ केवल घट को ही लेना जरूरी नहीं है, कोई ना कोई वस्तु जिसका अभाव आपको मिल जा रहा है, लक्षण घटक अभाव। ठीक है, तो घटाभाव पटाभाव आपने लिया, तो जब घटाभाव पटाभाव आदि लेंगे तो प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व पटत्व आदि होंगी, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक हो जाएगा ज्ञानत्वम, तदवच्छिन्न साध्य हो गया ज्ञान, उस ज्ञान का सामान अधिकरण सत्ता हेतु में चला जाएगा, तो लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति होगी। ठीक है, उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको क्या कहना पड़ेगा, ग्रंथकार ने कहा अत्र साध्यता अवच्छेदक संबंध न प्रतियोगी अधिकरणत्व बोध्यम। ठीक है, इसलिए जब ज्ञानवान सत्ता यहाँ पर सत्ता का अधिकरण हुआ घट, उस घट में विषयता संबंध से ज्ञान के रहने पर भी कोई क्षति नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं लक्षण का स्वरूप क्या होगा। साध्यता अवच्छेदक संबंध है ना, हम जोड़ देंगे प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न का जो अनधिकरण होना चाहिए तो अधिकरण को साध्यता अवच्छेदक संबंध से देखना है, तो लक्षण का स्वरूप बन गया साध्यता अवच्छेदक संबंध है ना प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति भावी या प्रतियोगिता अनवच्छेदकम या साध्यता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, ये हमारा लक्षण का स्वरूप बन गया। हमारा स्थल क्या है, ज्ञानवान सत्वात्, हेतु क्या है सत्ता, हेतु अधिकरण घटः, तत्र वर्तमान अभाव ज्ञानाभाव, उस ज्ञानाभाव का प्रतियोगी हो गया ज्ञान। यहाँ तक तो ठीक है, बराबर है, वह ज्ञान घट में समवाय संबंध से नहीं रहता। ठीक है, पहले पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, ज्ञान विषयता संबंध से घट में रहता है, तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी का अधिकरण ही घट हो गया। अब हमने लक्षण में कहा है कि प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न का जो अधिकरण अनधिकरण देखना है वो साध्यता अवच्छेद संबंध से देखना है, तो साध्यता अवच्छेद संबंध क्या है, हमने ज्ञान को साध्य बनाया, केन संबंध है ना, समवाय संबंध है ना, तो साध्यता अवच्छेद संबंध क्या है हमारा, समवाय संबंध है। तो यद्यपि ज्ञान विषयता संबंध से घट में रहता है किंतु साध्यतावच्छेद जो संबंध है समवाय संबंध, तेन संबंध है ना समवाय संबंध है ना, ज्ञान घट में नहीं रहता, ज्ञान समवाय संबंध से केवल आत्मा में रहता है। तो ज्ञानाभाव का प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान का साध्यतावच्छेद संबंध है ना अनधिकरण हेतु अधिकरण घट हो गया। ठीक, तो तत्र वर्तमान अभाव ज्ञानाभाव, ये लक्षण घटक अभाव बन गया, तार्स अभाव ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक ही ज्ञानत्व हो गया, प्रतियोगिता अवच्छेदक ही ज्ञानत्व हो गया साध्यता अवच्छेदक, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक नहीं हुआ, तो लक्षण अब नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर अतिव्याप्ति का वारण करते हैं। ठीक है, तेन ज्ञानवान सत्वाद इत्यादि सत्ताधिकरण घटादिर विषयतया ज्ञानाधिकरणत्व भी न क्षति। अब आगे ग्रंथ है, इत्थं च वन्यमान धूमाद इत्यादौ धूमाधिकरणे समवायन वन्य विरासत्व भी नक्षति, ये भी एक पंक्ति है। जब हमने साध्यतावच्छेदक संबंधेन प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्न का अनधिकरण कहा, प्रतियोगी का जो अनधिकरण लेना है वो साध्यतावच्छेदक संबंध से लेना है ऐसा कहा, तो ऐसा कहने से जिस प्रकार से ज्ञानवान सत्वाद इत्यादि अशेद स्थल में अतिव्याप्ति का वारण होता है, उसी प्रकार से वन्यमान धुमाद सद्यत स्थल में जो अव्याप्ति की संभावना है उस अव्याप्ति का भी वारण होता है। ठीक है, कैसे, अब इसको समझते हैं।
अब लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? अभी हमने साध्यतावच्छेद संबंध का प्रवेश नहीं किया है, वो वाला लक्षण लीजिए। तो प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न अधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति भावी या प्रतियोगिता अनवच्छेदकम या साध्यता अवच्छेदकम तद अवच्छिन्न साध्य सामान अधिकरण व्याप्ति ही, ये हमारा लक्षण का स्वरूप बना हुआ है। ठीक है, अब हमको वन्यमान धूमात यहाँ पर अव्याप्ति दोष का प्रदर्शन करना है। पर्वतो वन्यमान धूमात, ये तो हो गया धूम, ये तो अधिकरण पर्वत तत्र वर्तमान अभाव समवायन वन्य भाव समवाय संबंधेन वन्यर्नास्ति इत्याकारक प्रतिदि सिद्ध अभाव समवाय संबंध अवच्छिन्न वन्यत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। पर्वत में यद्यपि बन्नी है किंतु पर्वत में बन्नी संयोग संबंध से रहता है, समवाय संबंध से पर्वत में बन्नी नहीं है, बन्नी समवाय संबंध से अपने अवयव में है, अतः पर्वत में समवाय संबंधेन वन्यर्नास्ति ये अभाव मिल जाएगा। तो ये तो अधिकरण वृत्ति अभाव तो हो गया वन्य भाव, समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वन्य भाव, किंतु इस अभाव का प्रतियोगी वेदीकरण भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस वन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? बन्नी हुआ, वह बन्नी पर्वत में रहता है, यद्यपि संयोग संबंध से रहता है, किंतु हमने समवाय ने वन्य भाव लिया है तो हम समवाय संबंध देखेंगे। तो समवाय ने वन्य भाव का प्रतियोगी हो गया बन्नी, वह बन्नी समवाय संबंध से पर्वत में नहीं रहता। ठीक है, तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न जो बन्नी उसका अनधिकरण है तो अधिकरण पर्वत हुआ नहीं हुआ, हो गया तत्र वर्तमान अभाव समवाय ने बन्नी नास्ति इत्याकार का भाव। तो बन्य भाव लक्षण घटक हो गया, तारस अभाव ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक ही बन्य तो हो गया, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक नहीं हुआ, तो पर्वतो बन्यमान धुमात यहाँ पर अव्याप्ति हुई। किंतु जब हमने साध्यता अवच्छेदक संबंध है ना प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छेद का अनधिकरण हेतु अधिकरण होना चाहिए कहा, तो जिस प्रकार अतिव्याप्ति का वारण हुआ उसी प्रकार से यहाँ पर अव्याप्ति का भी वारण हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब लक्षण हमारा बन गया साध्यतावच्छेदक संबंध है ना प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति भावी प्रतियोगिता अनवच्छेदकम, ये हमको लक्षण बनाना है। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न का जो अनधिकरण हेतु अधिकरण को हम ले रहे हैं वो साध्यता अवच्छेदक संबंध से लेना है। तो देखिए हेतु हो गया धूम, हेतु अधिकरण हो गया पर्वत, उसमें हमने अभाव लिया समवाय संबंध ने बंधन नास्ते अभाव। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, अभाव ले सकते हैं, किंतु इस अभाव को प्रतियोगी वेदीकरण होना चाहिए, अर्थात साध्यता अवच्छेदक संबंध है ना प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छेद का अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव होना चाहिए। तो देखिए साध्यता अवच्छेदक संबंध क्या है, साध्यता अवच्छेदक संबंध संयोग संबंध है। ठीक है, आपने समवाय ने वन्य भाव लिया, उसका प्रतियोगी देखिए पहले, तो वन्य भाव का प्रतियोगी बन्नी हुआ, वह बन्नी संयोग संबंध से पर्वत में रहता है क्या? रहता है। ठीक है, साध्यता अवच्छेदक संबंध संयोग संबंध है, तो तेन संयोग संबंध है ना बन्नी पर्वते तिष्ठति, अतः साध्यतावच्छेद संबंध है ना प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न जो बन्नी है तार से बन्नी का अधिकरण ही पर्वत हो गया, अनधिकरण है तो अधिकरण नहीं हुआ। ठीक है, अतः साध्यतावच्छेद संबंध है ना प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न अनधिकरणी भूत हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव समवायन बन्ने भाव को नहीं ले सकती। तो कोई दूसरा अभाव लीजिए, घटा भाव पटा भाव। ठीक है, जब हम घटा भाव लेंगे तो प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व आदि होंगी, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक बन्नी तो हो गया, तदवच्छिन्न साध्य हो गया बन्नी, उसका सामान अधिकरण धूम में चला जाएगा, तो अव्याप्ति का वारण हो जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, तो साध्यता अवच्छेदक संबंध के प्रवेश कर देने के कारण ज्ञानमान सत्वाद इत्यादि अचतु स्थल में अतिव्याप्ति का भी वारण हो जाता है, और बन्यमान धूमाद इत्यादि धूमाधिकरण समवायन बन्य विरह सत्व भी नक्षति ही, यहाँ पर बन्यमान धूमाद आदि शब्द हेतु स्थल में अव्याप्ति का भी वारण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा लक्षण का स्वरूप बन गया साध्यता अवच्छेदक संबंधे न प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति भावी प्रतियोगिता अनवच्छेदकम या साध्यता अवच्छेदकम तद अवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति ही। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्पष्ट हुआ होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का ग्रंथ है ननु प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित् प्रतियोगिनो अनधिकरणत्वं तत् सामान्यस्य वा यत्किञ्चित् प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न अनधिकरणत्वं वा विवक्षितम्। ये मूल ग्रंथ है। ठीक, ये पूर्व पक्ष है, ननु से आरंभ हुआ तो पूर्व पक्ष है। तो लक्षण का स्वरूप क्या है? प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न अनधिकरण साध्यतावच्छेद संबंध है ना हमने दिया है, आप उसको समझ लीजिएगा। प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति भावी प्रतियोगिता अनवच्छेदकम या साध्यतावच्छेदकम तद अवच्छिन्न साध्य सामान अधिकरण व्याप्ति। तो हमको यहाँ पर अब ध्यान कहाँ पर देना है? प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न अनधिकरण हेतु अधिकरण, इतने पर ध्यान देना है। हेतु का जो अधिकरण है उसको प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न का अनधिकरण होना चाहिए, ऐसा मूल ग्रंथ में कहा गया।
अब पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न उठा रहा है, तीन प्रश्न एक ही बार पूछेगा वो, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप कहते हैं कि हेतु अधिकरण को प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न का अनधिकरण होना चाहिए, तो हम प्रश्न पूछते हैं आपसे कि प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कहने से कौन आता है, प्रतियोगी आता है। तो प्रतियोगी कई होते हैं, जैसे आपने घटाभाव लिया, घटाभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद घटत्व, घटत्व अवच्छिन्न घट, एक तो होगा नहीं, अनेक घट होते हैं। तो आपको प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न का अनधिकरण हेतु अधिकरण का होना चाहिए आप कह रहे हैं, तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न किसी एक प्रतियोगी ऐसे कश्चित कोई भी प्रतियोगी का अनधिकरण आप कहना चाहते हो, ठीक। अथवा प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न से प्रतियोगी सामान्य से अनधिकरण तुम कहना चाहते हो, ठीक है। प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न यत्किंचित प्रतियोगी, कोई एक प्रतियोगी का अनधिकरण हेतु अधिकरण होने से काम चलेगा। अथवा आप चाहते हो कि प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य का अनधिकरण हेतु अधिकरण हो, यावत प्रतियोगी का अनधिकरण हेतु अधिकरण हो, ठीक। एक और विकल्प है, तीसरा विकल्प है, कदाचित क्या होता है कि प्रतियोगिता अवच्छेदक भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो यत्किंचित जो प्रतियोगिता अवच्छेदक तद अवच्छिन्न जो प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए, 2000 प्रतियोगिता अवच्छेदक है उनमें से यत्किंचित जो प्रतियोगिता अवच्छेदक तद अवच्छिन्न जो प्रतियोगी है उसका अनधिकरण हेतु अधिकरण का होना चाहिए, ठीक है। देखिये यहाँ पर भी यत्किंचित प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न, कई लोग यत्किंचित का अन्वय पुनः प्रतियोगी में कर देते हैं, तो प्रथम और तीसरे में जो भेद है वो भेद बन नहीं पाता। तो पहले वाले में प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न ऐसे कश्चित प्रतियोगी ना, ठीक। तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न यत्किंचित प्रतियोगी, तो यत्किंचित प्रतियोगी की बात हो रही है। और तीसरे में यत्किंचित जो प्रतियोगिता अवच्छेदक तद अवच्छिन्न प्रतियोगी का अनधिकरण, ठीक है। तो यत्किंचित प्रतियोगी प्रथम विकल्प है, यत्किंचित प्रतियोगिता अवच्छेदक ये तृतीय विकल्प है, और प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य ये दूसरा विकल्प है, ठीक है। ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। देखिए ननु प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कस्यचित प्रतियोगी न अनधिकरणत्वम्, एक प्रश्न। तत्सामान्यस्य अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्नस्य प्रतियोगी सामान्यस्य अनधिकरणत्वम्, अथवा यत्किंचित जो प्रतियोगिता अवच्छेदक यहाँ अन्वय करना है तद अवच्छिन्न का अनधिकरणत्वम् वा विवक्षितम्, ये तीन प्रश्न पूर्व पक्षी ने कहा, ठीक है। अब प्रश्न जब पूछा पूर्व पक्षी ने तो सिद्धांत को पक्षी को समाधान देना चाहिए कि ये तीन विकल्प में से ये वाला विकल्प हमारा है, किंतु पूर्व पक्षी अभी कहेगा चलो पहले हमारी बात सुनो, तीनों विकल्प सही नहीं है, ठीक है। यदि आप प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हैं तो भी लक्षण में दोष है, द्वितीय विकल्प को स्वीकार करते हैं तो भी आपके लक्षण में दोष है, तृतीय अर्थ व्याख्यान करते हैं लक्षण का तो भी आपके लक्षण में दोष है, इस प्रकार से आपका लक्षण ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी को कहना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आय का ग्रंथ है आद्य कवि संयोगी एतर विक्षेत्र तथा अव्याप्ति ही, आद्य अर्थात प्रथम विकल्प को आप स्वीकार करते हैं तो हमारा लक्षण का स्वरूप क्या हो जाएगा, स्वरूप वही रहेगा, हमारा उसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमको चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न का अनधिकरण हेतु अधिकरण। अब हम क्या कहेंगे, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न यत्किंचित प्रतियोगी का अनधिकरण हेतु अधिकरण होना चाहिए, तद्वृत्ति जो अभाव होगा उस अभाव को हम प्रतियोगी व्यतिकरण अभाव कहेंगे, अर्थात वो अभाव लक्षण घटक हो जाएगा, ऐसा पक्ष स्वीकार करेंगे, ऐसा अर्थ स्वीकार करेंगे तो पूर्व पक्षी कहेगा कि कवि संयोगी एतद्विक्षेत्वात्, इस स्थल में जो अव्याप्ति पहले से थी क्योंकि प्रतियोगी व्यतिकरण की जो चर्चा हमने आरंभ की तो सबसे प्रथम में वृक्षा कवि संयोगी एतद्विक्षेत्वात् में दोष दिया गया था, उसी दोष को वारण करने के लिए हमने लक्षण में प्रतियोगी व्यतिकरणत्व का प्रवेश किया, वहां से चर्चा हमारा आरंभ हुआ है। तो जिस दोष को वारण करने के लिए आप प्रतियोगी व्यतिकरण की चर्चा को आरंभ किए हैं वह दोष बनाई रहेगा, उसका वारण नहीं हो सकता, ठीक। अब देखते हैं किस प्रकार से इसकी चर्चा आगे बढ़ती है। तो ये लक्षण का स्वरूप है, प्रथम पक्ष को हम स्वीकार कर रहे हैं, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न ऐसे कश्चित प्रतियोगी ने अनधिकरणत्वम हेतु अधिकरण में हमने विशेषण दिया है। तो वृक्ष कवि संयोगी एतद विक्षेत्वात् यहाँ पर अव्याप्ति होनी है, कैसे होगी, ये तो हो गया एतद विक्षेत्वम हेतु अधिकरण में एतद वृक्ष तत्र वर्तमान अभाव कवि संयोगाभाव, ठीक। अब कवि संयोगाभाव केवल कहने से तो होगा नहीं, इसको प्रतियोगी व्यतिकरण भी होना चाहिए, तो हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, कवि संयोगाभाव का जो प्रतियोगी कवि संयोग है वो तो वृक्ष में रहता है एतद वृक्ष में, तो प्रतियोगी का अधिकरण हेतु अधिकरण हुआ, तो ये जो कवि संयोगाभाव है वो तो प्रतियोगी व्यतिकरण नहीं बन सकता, इस प्रकार से हमने पहले समाधान दिया था।
किंतु अभी पूर्व पक्षी कहेगा देखो रुको रुको, अभी रुको, हमारी बात सुनो। आपने अभाव लिया कभी संयोग का अभाव, उसका प्रतियोगी आपने बनाया कभी संयोग को। अब हमको देखना क्या है कि प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्नस्य कस्यचित् प्रतियोगिना अनधिकरणत्वं, देखना है। तो कभी संयोग अभाव का प्रतियोगी जो कभी संयोग है वो कितने प्रकार के हैं देखना पड़ेगा। तो कई प्रकार के कभी संयोग है, वृक्ष में रहने वाला कभी संयोग भिन्न है, भूतल में रहने वाला कभी संयोग भिन्न है, छत में रहने वाला कभी संयोग भिन्न है, भिन्न भिन्न जगह पर पेड़ में भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न वृक्ष में रहने वाला कभी संयोग सब भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी को यहाँ पर दोष देना है तो वो दो विभाग करेगा। देखो हम कभी संयोग को दो भाग में बांटते हैं, दो प्रकार के कभी संयोग। कौन कौन दो प्रकार के कभी संयोग? एक वृक्षवृत्ति कभी संयोग, ठीक है, वृक्ष से वो एतद वृक्ष लीजिएगा, एक हो गया वृक्षवृत्ति कभी संयोग, और उसको छोड़कर बाकी सारे को एक दूसरा ग्रुप बना दीजिए, वृक्षावृत्ति कभी संयोग। तो ये दो प्रकार के कभी संयोग होते हैं, एक तो कभी संयोग जो वृक्ष में रहता है, दूसरा जो कि वृक्ष में नहीं रहेगा, भूतल आदि में रहेगा, जल आदि में रहेगा, वो वृक्षावृत्ति कभी संयोग। ठीक है, हमने जो कभी संयोग का भाव लिया उसका प्रतियोगी तो सारे कभी संयोग है, वृक्षावृत्ति कभी संयोग भी प्रतियोगी है। ठीक है, जैसे हम भूतले घटो नास्ति जब कहते हैं तो घटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट, कौन सा घट? सारे घट, रक्त घट, नील घट, पीत घट, सारे घट प्रतियोगी है। उसी प्रकार से आपने जो कभी संयोग का भाव लिया उस कभी संयोग का भाव का प्रतियोगी सारे कभी संयोग है, तो वृक्षावृत्ति कभी संयोग भी प्रतियोगी है, वृक्षावृत्ति कभी संयोग भी प्रतियोगी है। हमको प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न ऐसे कश्चित प्रतियोगी ना अनधिकरण तो देखना है। ठीक, कोई एक प्रतियोगी का अनधिकरण है तो अधिकरण हो जाएगा, तो हमारा साध्याभाव कोई भी अभाव हमने जो लिया है वो लक्षण घटक हो सकता है। ठीक है, तो कभी संयोग का अभाव आपने लिया उसका प्रतियोगी कभी संयोग हुआ, हमको एक किंचित प्रतियोगी लेना है, कोई एक प्रतियोगी लेना है, तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? हम कहेंगे वृक्षावृत्ति कभी संयोग को लेंगे, वादी भद्रम न पश्यति, इसको ध्यान रखना है। वृक्ष में न रहने वाला जो कभी संयोग है वो भी तो कभी संयोग आपका एक किंचित प्रतियोगी हुआ, वो जो वृक्ष वृक्षावृत्ति कभी संयोग है अब वो प्रतियोगी हो गया। अब कभी संयोग हमने जो लिया उसका प्रतियोगी हमने बना दिया वृक्षावृत्ति कभी संयोग को। यह जो वृक्षावृत्ति कभी संयोग है वो एतद वृक्ष में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, तो अधिकरण में हमने अभाव लिया कभी संयोग का अभाव, उसका प्रतियोगी कभी संयोग है, हमको यत्किंचित प्रतियोगी देखना है, तो हमने लिया पूर्व वृक्षावृत्ति कभी संयोग। वृक्ष में न रहने वाला जो कभी संयोग होगा उसका तो अधिकरण वृक्ष बन नहीं सकता, तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न जो यत्किंचित प्रतियोगी है वृक्षावृत्ति कभी संयोग, उसका अनधिकरण हेतु अधिकरण हो गया। तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न यत्किंचित प्रतियोगी अनधिकरण हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव कभी संयोग अभाव होने के कारण ये साध्याभाव लक्षण घटक हो गया। जब साध्या भाव लक्षण घटक हो गया तो उसका प्रतियोगी साध्य हो गया, प्रतियोगिता अवच्छेदक ही साध्यता अवच्छेदक हो गया, प्रतियोगिता का अनावच्छेदक साध्यता अवच्छेदक नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से प्रथम कल्प को यदि स्वीकार करते हैं तो वृक्ष कभी संयोगी इतर वृक्षत्वादि स्थल में अव्याप्ति दोष है। तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, फिर पूर्व पक्ष कहेगा रुको रुको दूसरे पक्ष में देखते हैं, दूसरे पक्ष को स्वीकार करेंगे कहेगा सिद्धांत पक्षी, हम द्वितीय पक्ष को स्वीकार करते हैं। तो पूर्व पक्ष अभी कहेगा यदि आप द्वितीय पक्ष को स्वीकार करते हो तो भी दोष लक्षण में हो ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्यतः हम लोग इसे विचार कर रहे हैं, यदि हम द्वितीय पक्ष को स्वीकार करते हैं तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य का अनधिकरण हेतुधिकरण होना चाहिए, ऐसा अर्थ आएगा। तो हमने जब कभी संयोग का भाव लिया उसका प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य कहने से केवल कभी संयोग मिलेगा, कभी संयोग सामान्य सारे कभी संयोग आ जाएंगे। तो एतद वृक्ष में एक भी जब कभी संयोग रहता है तो कभी संयोग सामान्य का अधिकरण ही हो जाएगा, कभी संयोग सामान्य का अनधिकरण नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप जानते हैं जिस भूतल में एक भी घट है उसमें घट सामान्य भाव नहीं मिल सकता, वो घट सामान्य का अधिकरण ही है, घट सामान्य का अनधिकरण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से वृक्ष में एक भी कभी संयोग जब रहेगा तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य का अधिकरण ही कहा जाएगा, अनधिकरण नहीं कहा जाएगा। जब एक भी प्रतियोगी न रहे तब जाकर के वो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य का अनधिकरण बन सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर समाधान दे सकते हैं, द्वितीय पक्ष को यदि हम स्वीकार करेंगे तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य का अधिकरण वृक्ष है, अनधिकरण वृक्ष नहीं है। इस प्रकार से ये जो कभी संयोग का भाव है वो प्रतियोगी समानाधिकरण हो जाएगा, प्रतियोगी व्यधिकरण नहीं होगा, तो लक्षण घटक नहीं होगा, तो अन्य घटपट आदि का अभाव लेना पड़ेगा, तो प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत पटत्व आदि हो जाएंगे, प्रतियोगिता का अनावच्छेद साध्यता अवच्छेद हो जाएगा, तद अवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण हेतु में चला जाएगा, तो अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ठीक, ऐसा कहा जा सकता है, किंतु पूर्व पक्षी की बात अभी हमको सुननी है, तो द्वितीय पक्ष में भी पूर्व पक्षी दोष देने वाला है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम अगले पाठ में करते हैं, आज के लिए हम यहीं विश्राम देते हैं।
ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरिओम।